जो बुद्धि है उसको हम अगर स्टडी करें तो हम पाते हैं कि जो लोग डोमिनेंस जिसका रहा, यानी यहां किसका डोमिनेंस रहा, ब्राह्मणवाद का, और वही चीजें विकसित होती जा रही है। वो क्यों विकसित हो रही है? क्योंकि हमारी कमियों के कारण हम लोग उनको ईश्वर की उपाधि दे बैठे हैं। हम जानते हैं कि ये लोग सदियों से ही अच्छे उपदेश देते हैं, और उनके उपदेश को देख करके हमारा जो 80% या 70% जो लोग हैं वो मानते हैं कि ये लोग जो हैं वो ईश्वर से कम नहीं है। उन्होंने मंदिर बना लिए हैं इसकी आड़ में ताकि लोग हमें याद करें। 1528 में आप जरा सुनिए इनका इतिहास। 1528 में बाबरी मस्जिद बनाई अयोध्या में, और ये कहा जाता है कि अयोध्या जो है ये राम का जन्म जो है वो यही अयोध्या में ही हुआ। अब ब्राह्मणों की बात देखिए कि राम जो है वो भगवान है, और उसको धीरे धीरे इन्होंने मुद्दा बनाया। और मुद्दा क्या है कि आप देखेंगे कि 1853 में अंग्रेज लोग यहां पर थे, लेकिन धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि ये लोग जो हैं वो अपनी बुद्धि के बल पे उस भूमि पर ही नजर लगाए हुए हैं, और उस नजर को, क्योंकि हमारा आज का जो विषय है कि किस तरह से एक मानव दूसरे मानव पर शासन कर रहा है, वो मानव जो है हम देखते हैं कि ब्राह्मणवाद की आड़ ले करके और वो किस तरह से शासन चला रहा है। धीरे धीरे कहा जाता है कि धर्म निरपेक्ष राज्य बनाया गया है। संविधान बाबा अम्बेडकर ने ये सब चीजें जांच ली, उन्होंने देख लिया कि ब्राह्मणवाद जो है बहुत चालाकी से दूसरे जो नीचे का तबका है उस पर शासन कर रहा है, और धीरे धीरे वो अपने सारे रूल रेगुलेशन स्मृतियों के जरिए, आप देखेंगे कि मनुस्मृतियां, यज्ञवल्क्य स्मृतियां, बहुत सी स्मृतियां लिखी गई, और ये सब किसने लिखी? ब्राह्मणों ने ही लिखी। और ब्राह्मण अपने बारे में ही अपने को भगवान तुल्य बता रहा है उसमें, और दूसरे जो निची जातियां हैं उनको वो अपने अपने उनको काम दे दिए हैं कि आपको बस इसी दायरे में रहना है, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये मनुस्मृति के रूल हैं। क्योंकि उसको सारा जो है, जैसे आप आज संविधान के तरह शासन चल रहा है, उस समय मनुस्मृति की तरह शासन चलता था, वो सारे नियम मनुस्मृति में लिखे हुए थे ब्राह्मणों ने, और उसी के आधार पर ये सारा स्त्रियों को तो पाया गया कि वो तो बस घर की चार दीवारी में ही रहे, और वो घर के चार दीवारी से कभी नहीं निकलेगी क्योंकि उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाए। अब आप देखिए कि किस तरह से, यानी स्त्रियों के लिए जो है अलग से कानून बना दिए गए, तो ये सब दायरे जो है हम देखते हैं कि इस तरह से ये सब चीजें यानी समाज में चल रही थी। अब आप देखिए कि 1853 में इस पर मुद्दा हुआ, उसके बाद अडवाणी जी ने, हम देखते हैं कि गुजरात से सोमनाथ मंदिर से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक अयोध्या जहां राम जन्मभूमि थी वहां तक उसने यात्रा की, क्योंकि उसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। आप देखेंगे कि धीरे धीरे अब यही ब्राह्मण, आप देखते हैं कि धीरे धीरे इसको राजनीतिक मुद्दे पर ला रहे हैं, और राजनीतिक मुद्दे को ला करके जो निची जातियां हैं अपना वर्चस्व स्थापित करके और निची जातियों को दबाए रखने में ये काफी सक्षम हो गए हैं। तो हम अधिकतर ये देखते हैं धीरे धीरे इनकी जो चाले हैं, हम राम मंदिर को लेकर के जिस तरह के मुद्दे बना दिए गए हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि अधिकतर जो है जो नीचे तबके के लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी
रहे जिनके पास बहुत अधिक धन था, धीरे धीरे उनके धन पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। तो अधिकतर हम ये देखते हैं कि इनका जो मुद्दा है, जो आज का विषय है, जो विषय रखा गया है कि किस तरह से इन्होंने मंदिर के नाम पर अपना एक तरह से उसको राजनीतिक मुद्दा बना करके अब ये नीची जाति, जो हम देखते हैं कि इन्होंने दलित कुचले हुए लोगों को एक तरह से अपने अधीन रखने का प्रयास किया गया है। तो बाबा अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया गया, जो संविधान में नियम बनाए गए, वो दबे कुचले लोगों के लिए, उसमें धर्म निरपेक्ष की बात है। कि धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि सभी धर्मों के लोग स्वतंत्र रूप से कार्य करें, कोई भी किसी तरह का असमानता देश के अंदर नहीं आए। और जो लोग नीचे तबके के हैं, जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, धीरे धीरे इनके लिए अलग से, यानी ऐसे कार्य, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, इनकी मदद की जाए, इनको समान लाने का प्रयास किया जाए। संविधान का सीधा सा मतलब यही है कि जब तक ये लोग समान नहीं आ जाएंगे, तब तक देश के अंदर आर्थिक विकास नहीं हो सकता। हम किसी भी राष्ट्र को एक तरह से हम राष्ट्र की उन्नति तभी मानेंगे जबकि सबसे नीचे का तबका वो समान आकर के खड़ा हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि सारे नियम यहाँ पर, सारे अधिकार कुछ ही लोगों ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। आप देखेंगे 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई, बड़े बड़े पूंजीपतियों को सहारा दिया जा रहा है। देश के अंदर जो सत्य की बात करते हैं, जो सच्चे रास्ते पर चलने के लिए जो संविधान की बात करते हैं कि संविधान के अंदर ये लिखे हुए हैं उन पर चलना चाहिए, नीचे का जो तबका है उनको विशेष योगदान मिलना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में अलग से ऐसे विश्वविद्यालय खोल करके उनको समान लाना चाहिए, लेकिन सब उल्टा हो रहा है। आज वही शक्तियां, जो एक तरह की ऐसी शक्तियां जो अपने को बुद्धिमान समझती है, जो पूंजीपति समझती है, सब एक तरह से उसने, यानी बहुत कम, जिसको हम 10% कहेंगे, उसने 90% लोगों पर एक अधिकार कर लिया है और अपनी तरह से, अपनी बुद्धि से इस देश को चला रहे हैं। तो ये सब चीजें जो उल्टी हो रही हैं, इसको समझना होगा। और वीर सिंह जी बहुत, और डॉक्टर बी डी कल्याणी जी